नमस्कार नरेंद्र जी। नमस्कार भाई जी। तो पहले तो आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम नरेंद्र सिंह चतुर सिंह जाडेजा है, मेरा गांव नानिकाकर आप तो जानते ही हैं। जी जी। कच्छ डिस्ट्रिक्ट कच्छ गुजरात। ओके, तो नरेंद्र जी आज हम ना स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहते हैं, कितना बड़ा स्ट्रक्चर है, किस तरीके से बनाए, इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए हमें। तो आप एक बार हमारे को थोड़ा डिटेल से बताएं इसके बारे में। तो इस स्ट्रक्चर का टोटल खर्चा कितना है, पहले तो खर्चा बता दीजिए। ये तकरीबन 7 लाख। 7 लाख का? ये आधे का या पूरे का? नहीं, पूरे का। हमने दो फेस में बनवाया था, दो पार्ट। हाँ, पहले जब हमारे पास पशु की संख्या 50 थी जी, तो हमने, आप देख रहे हैं, दो अलग अलग विभाग है। हाँ, दो पार्ट हो गए। हाँ, जो एक आगे का हो गया, जो पीछे का पार्ट है, और ये जो खाने का, जो चारे डालने की गमान है जी, और ये बाउंड्री, ये सभी तो 6-7 साल पहले बनाया था, जब गौशाला अच्छा, शुरू मतलब की वो आगे वाला पहले बनाया था। हाँ, पहले बनवाया था। अच्छा। और तभी हमारी पशु की कुल संख्या 100 के अंदर थी। अच्छा। माने तकरीबन 50 रहती थी, तो वो 50 के लिए सफिशियंट था। अच्छा, अच्छा। अभी पिछले 2 साल में हमारी पशुओं की संख्या डबल हो गई है। अच्छा। तकरीबन 80 से 100 रहती है अभी पशुओं की संख्या। 100 पशुओं के लिए ये सही है स्ट्रक्चर? हाँ, 100 पशुओं के लिए सही है। और ये रेस्ट एरिया है, ये मिल्किंग एरिया नहीं है हमारा। अच्छा, दूध निकालने वाला अलग है, ये सिर्फ? हाँ, ये खाना के लिए और बैठने के लिए जगह है। बैठने के लिए जगह है और चारा इधर ही खिलाते हैं। अच्छा। जो दूध मिल्किंग गाय है उनको दाना हम मिल्किंग सेक्शन में, वो आप अलग से दिखाएंगे आपको, वो मिल्किंग सेक्शन में डालते हैं दाना, और चारा तो इधर ही डालते हैं। तो नरेंद्र जी इस स्ट्रक्चर के बारे में, जैसे बीच में से जो आपने ऊंचाई की है स्ट्रक्चर की, ये कितनी की है तकरीबन? देख, हाँ, ऊपर जितना हो सके ना स्ट्रक्चर अपना ऊंचा होए, तो क्या आपने को मजदूरी कम लगे, और जो हम लोडर से ना खातर, ये उतना इसका खाद जो वो बाहर निकाल सकते हैं हम। ये खाद पूरा मैनुअल कुछ नहीं निकालते, हर 2-3-4 महीने में और लोडर से, ट्रैक्टर से और लोडर से ही निकालते हैं। तो लोडर से निकाल दें तो लोडर आराम से चल सके, और बीच में भी कॉलम हमने जितने हो सके उतने कम डाले। हाँ, तो क्या मूवमेंट में इतने दिक्कत नहीं हो अपने को? हाँ, सही बात है। हाँ, ये पीछे वाले स्ट्रक्चर में कॉलम है और आगे वाले में एक भी कॉलम नहीं। क्यों? वो पीछे वाला स्ट्रक्चर था तो उसके डेवलपमेंट में फिर अपना दिमाग लगा के हमने जो भी हमारा शॉर्ट कमिंग थी वो उसमें निकाल दी, और वो पीछे वाले कॉलम थे वो भी देखिए बहुत अंतर में है, वो तकरीबन 35 फुट तक एक कॉलम ही है, 70 फुट का। अपना इससे मजबूताई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, अपना नहीं, मजबूताई से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका जो कॉलम का खर्चा है वो हमने कम करके ऊपर आयरन लोखंड ज्यादा डाल दिया है इसके ऊपर। ऊपर स्ट्रक्चर के ऊपर। अच्छा। तो अपने को मजबूती खर्चे में तो उतना ही पड़ता है, लेकिन अपना सुटेबिलिटी बढ़ जाता है, अपना जो काम करने का जो रहता है तरीका वो एकदम इजी रह जाता है, क्योंकि अपना को जो आज देखिए लेबर जितना हम मैकेनिकल कर सकते हैं उतना ही अपना स्ट्रेस कम रहेगा, और इतना हम आपको डेवलपमेंट अगर संख्या बढ़ानी है तो हम इजी बढ़ा सकते हैं, अगर खुद वो सभी मैनुअल रखेंगे तो इतना बड़ा अपनी साइज नहीं बना सकते। बीच में आप मान लो अगर आपको डालना हो तो बीच में से और एक चरने की जगह और बना सकते हो, और भी वो भी बना सकते हैं, और इनको जितना जो देखिए कॉलम अगर नहीं रहेगा बीच में कोई स्ट्रक्चर, तो वो एक गाय एक दूसरे से धक्का लगे कि इस लगने का संभावना, एक दूसरे गाय को खुद को इजा होने का संभावना भी कम हो जाता है। सही बात है। अच्छा, इसकी स्ट्रक्चर की बीच में से ऊंचाई कितनी की है? 12 फुट है, और 2 फुट का ढाल है, और लास्ट में किनारे पर 10 फुट है। अच्छा, किनारे का 10 फुट है और यहाँ का जो है 12 फुट है, 12 से और 10 का, और जो ढलान हो गया ये टेढ़ा वाला ये कितना हो गया? 2 फुट का। 2 फुट का। अच्छा जी, और इसकी चौड़ाई कितनी है जी फार्म की अपनी? मतलब इस साइड में ऐसे? हाँ, ये 70 फुट है। अच्छा, ये 70 फुट चौड़ाई है? 70 फुट चौड़ाई। जो ये लंबाई है इस साइड में? हाँ, ये पूरा 90 से 95 फुट है। अच्छा, लंबाई 95 फुट है। हाँ, चौड़ाई 70 फुट है, और इसमें पानी का भी व्यवस्था किया हुआ है। अच्छा, इस साइड में आपने पानी का भी व्यवस्था किया? मिल्क जो ये तो अभी जो दूध नहीं निकालने वाला बछड़िया और गाय है। अच्छा, दूध वाली गाय भी दूध निकालने के बाद इधर ही आएंगी। हाँ, वो दूध तो, वाला वो सामने जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो भी रात को उनको पानी पीना, अगर पानी पीने का मन होए और उनको बैठने का स्वतंत्रता मिल जाए, जिधर चाहे मर्जी से बैठ सकती है, हिल डुल सकती है और पानी भी पी सकती है। अच्छा, उनको बांध के नहीं रखते? नहीं, दो किसी को नहीं रखते, सिर्फ शाम को 1-1.5 घंटा दूध निकालने टाइम और सुबह 1-1.5 घंटा दूध निकालने टाइम, बाकी इनको स्वतंत्रता उनका अधिकार है वही देते हैं हम। अच्छा जी, आप तो इतनी स्वतंत्रता तो आदमियों को ही नहीं देते आजकल। और इस मतलब स्ट्रक्चर में जैसे ये लोहे का, टोटली आपने लोहे का बनाया, यहाँ पे जंग लगने की समस्या होती है फिर भी आपने मतलब? नहीं, हमने गैलोनाइज लोहा यूज किया है।
तो इसका आयुष तो ऐसे ही 15-20 साल तक तो कुछ नहीं होता है। अच्छा 15-20 साल की तो इसकी वारंटी गारंटी। लास्ट सामने वाला स्ट्रक्चर देखिए, वो हमने गैलोनाइज नहीं यूज़ किया था, उसके ऊपर हमने कोटिंग कर दिया था, कलर कोटिंग कर दिया था सामने वाला। हाँ, और उसको भी तकरीबन 7-8 साल हो गया है। अच्छा। और अभी तक कोई दिक्कत नहीं आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं आया, कुछ दिक्कत नहीं आया। तो टोटल मतलब इस इधर इधर वाले स्ट्रक्चर का खर्चा कितना हो गया? पहले पीछे वाले, पहले जो हमने बनाया था सीमेंट का और पीछे वाले स्ट्रक्चर का 4 लाख तकरीबन। अच्छा। और आगे वाले स्ट्रक्चर जो अभी लास्ट ईयर बनाया हमने वो विदाउट कॉलम का, उसका 3 लाख। अच्छा, मतलब इसमें दिमाग लगा के बनाया तो खर्चा बच गया आपका है। हाँ, अच्छा भी लग रहा है पहले वाले से। हाँ, वही, और अपना काम करने का तरीका भी बढ़ गया, इजी हो गया। सीमेंट के पत्रा लगा हुआ है। हाँ, वही तो पहले वाले। हाँ, पहले में हमने बीच में कॉलम डाला। हाँ। सीमेंट वाले पत्रे का वजन ज्यादा रहता है तो इसको कॉलम चाहिए अपने को। हाँ, इनका इसका जो ये है, मतलब ये जो गैलोनाइज पत्रा रहता है, पत्रा है तो इसमें लोड ज्यादा नहीं होता तो नीचे स्पोर्ट बिना काम चल जाता है, चल जाता है। हाँ, सही बात है। तो ये देख सकते हो भाई आप स्ट्रक्चर यहाँ पे नरेंद्र जी का, और यहाँ पे देख लो गायें वगैरह भैंसे सब कुछ। ये इनका तो खाली कांकरेज गायें जो देसी नस्ल की हैं उनका ये वीडियो टोटल, तो आप देख सकते हो ये। और दूध वाला स्ट्रक्चर भी मैं आपको दिखा देता हूँ।